हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तमाम कयासों को ध्वस्त कर अनकहे ख्वाब की हकीकत में बदल जाने वाली ये वो खुशी है जो हर परिधि के पार है। भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। तमाम अटकलों पर विराम लगाने वाला ये वो फैसला है जो कल्पनाओं से परे। हिंदुस्तान के हृदय स्थली में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ना तो खुद मोहन यादव ने और ना ही पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, हर कोई हैरान रह गया। मोदी है तो मुमकिन है, ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सीएम बनाया जा सकता है, ये आज यहाँ का उदाहरण है। यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नए लोगों को अवसर देती है और देखा आपने कितने नौ आदमी को अवसर दिया। वो मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ, हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। जब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा था तब मोहन यादव बीजेपी विधायकों के मंच पर चौथी कतार में दूसरे नंबर पर थे, मगर शिवराज ने जैसे ही मोहन के नाम का प्रस्ताव रखा वो पहली कतार में पहले नंबर पर आ गए। और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मोहन यादव के परिवार में जश्न है, लेकिन राजनीति पर नजर रखने वालों के मन में कई प्रश्न हैं। प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में मोहन यादव कैसे बसे? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना संयोग है या प्रयोग? क्या बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का विस्तार ही है ये? क्या 2024 का चुनाव हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़ेगी बीजेपी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले जानिए कि पीछे के कतारों से उठाकर जिन मोहन यादव को बीजेपी ने सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया, वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का नया हिंदुत्व चेहरा है। हिंदुत्व के सेंटर और महाकाल की नगरी उज्जैन से विधायक है मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने हैं। मोहन यादव ने एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 1993 से 1995 तक आरएसएस के उज्जैन शाखा के साखंड कार्यवाह रहे। मोहन यादव को आरएसएस का करीबी भी माना जाता है। उन्हीं मोहन यादव को बीजेपी ने सत्ता के शीर्ष पर बिठाकर बड़ा संदेश दिया है। ये तस्वीर 10 दिसंबर की है, जब मध्य प्रदेश के प्रस्तावित मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल के दर पर पहुंचे थे। मोहन महाकाल के अनन्य भक्त हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी भक्ति का आशीर्वाद मिला है। परिश्रम करा है उन्होंने, उसका फल महाकाल बाबा ने दिया है। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा था, पर महाकाल बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है तो बहुत खुशी हुई है सबको। खुशी वाला दिन है, बाबा महाकाल की कृपा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आगे का सवाल है कि क्या जो आशीर्वाद मोहन यादव को मिला, क्या महाकाल का वही आशीर्वाद बीजेपी 2024 में लेना चाहती है? चौथी कतार से उठाकर जिन मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, उसका 2024 में क्या असर पड़ेगा? एक नई पीढ़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है मोहन यादव के साथ, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता जो 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर थे जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक एमपी रहे हैं, एमएलए प्रहलाद पटेल हैं, उसके बाद भी मोहन यादव का नाम एक जनरेशनल चेंज, जनरेशनल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए कि वो आगे की तरफ देख रही है और एक नई पीढ़ी को पार्टी या संगठन सौंपना चाहती है, मध्य प्रदेश सौंपना चाहती है। माना जा रहा है कि हिंदुत्व के सेंटर यानी उज्जैन के जरिए पूरे सूबे को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाकर बीजेपी सरकार ने पहले ही बड़ा संकेत दिया था।
मोदी सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था। यूपी चुनाव से ठीक पहले उसका उद्घाटन किया था। 2021 में बनाए कॉरिडोर का असर 2022 के यूपी चुनाव में दिखा। 2022 में महाकाल लोक यानी कि उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण हुआ और इसका जबरदस्त असर चुनाव में देखने को मिला। उम्मीदों के उलट बीजेपी को चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई। तो यहीं से आगे का सवाल है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार कर रही है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व और जाति दोनों को साधने की कोशिश की गई है। मोहन यादव जहां महाकाल के भक्त हैं, तो जाति से यादव है। मतलब बीजेपी विरोधी पार्टियों के ओबीसी कार्ड की कार्ड ढूंढ रही है। मतलब विरोधी पार्टियों के ओबीसी कार्ड की कार्ड भी है। बिहार में 14.26% यादव आबादी है। यूपी में यादवों की कुल आबादी 10% है। हरियाणा की जनसंख्या का 10% आबादी यादवों की, जबकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 30% विधानसभा सीटों पर यादवों का प्रभाव है। दूसरी तरफ एक ब्राह्मण और दूसरे दलित को डिप्टी सीएम बनाकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है, लेकिन उससे आगे नजर हिंदुत्व पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जो हिंदुत्व का सेंटर है, बाबा की नगरी है, और इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश पर पड़ता है बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखा जा सकता है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर हिंदुत्व का सेंटर है। गोरक्षनाथ पीठ का भी सियासी तौर पर बड़ा असर है। मतलब वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी और अब उज्जैन से भी खांटी संघी मोहन यादव को सत्ता सौंप कर बीजेपी ने उस हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है जिसकी धुरी राम मंदिर पर टिकी है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को भव्य समारोह के बीच राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संयोग से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान से ठीक पहले ही कश्मीर से धारा 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इसलिए संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव के लिहाज से महाकाल के भक्त को सत्ता सौंपने के बड़े सियासी मायने हैं। उज्जैन अगर पिछड़ा विधायक तो किसी भी क्षेत्र का हो सकता था, लेकिन दक्षिण उज्जैन से वो विधायक हैं और उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग भी है और उनको बनाया गया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए मोहन यादव जी का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने जिन विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया, उनकी पहचान भी एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर होती है। वो बीजेपी की नई पीढ़ी के नेता भी है, ठीक उसी तरह जिस तरह मोहन यादव नई बीजेपी की नई पीढ़ी के नेता है। संकेत साफ है और वो ये कि हिंदुत्व का जो समीकरण बनाया गया है, उसका 2024 पर बड़ा असर पड़ेगा।